राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित मध्य भारत के कार्यालय संविदा से सुरक्षा को हटाने का मामला अब राजनीतिक होता जा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा हटाने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भोपाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान आया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भोपाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से सुरक्षा हटाए जाना कमलनाथ ऑफिस का बहुत ही निंदनीय कदम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश द्वारा शायद फिर किसी हमले की योजना बनाई गई है। अगर किसी स्वयंसेवक को खरोच भी आई तो कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसके बाद भोपाल से सांसद आलोक संजर ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाए जाने के मामले में दिग्विजय सिंह का कमलनाथ जी को पुनः सुरक्षा देने का ट्वीट जनता को गुमराह कर रहा है। दोहरी राजनीति इससे स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो संघ को बैन करने की बात करते थे वो आज संघ के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। आश्चर्य है, क्या चुनाव भयभीत करता है? इसके बाद क्या था, ट्विटर की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर सीधे तौर पर कूद गए। उन्होंने कहा कि संघ ने सुरक्षा नहीं मांगी थी, अगर कांग्रेस ने सुरक्षा दी थी तो उसे जारी रखना था। मंत्रियों के यहाँ जब सुरक्षा व्यवस्था है तो संघ कार्यालय से क्यों हटाई गई? अगर चुनाव आयोग को आवश्यकता थी तो सभी मंत्रियों के यहाँ से सुरक्षा हटा लेनी थी। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बाबूलाल गौर ने कहा कि दिग्विजय सिंह समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें धन्यवाद। गौरतलब है कि कल चुनाव आयोग के द्वारा फोर्स मांगे जाने पर गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा यह कहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय संविदा से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई थी कि चुनाव आयोग को और अधिक सुरक्षा बलों की आवश्यकता है। एक ओर जहां इस मामले को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस दो तरफा वार करके यह बताना चाहती है कि अब भाजपा की सरकार नहीं है और आरएसएस को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगेगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि यह कदम लोकसभा चुनाव में किस करवट को होता है। संघ ने मांगी नहीं सुरक्षा, संघ का कहना है। संघ ने तो मांगी नहीं थी सुरक्षा की अनुसुरक्षा, अगर उन्होंने दी थी जारी रख लो। चुनाव आयोग ने क्या विशेष रूप से क्या ऐसा आदेशित किया है कि आरएसएस कार्यालय संध्या से सुरक्षा व्यवस्था हटाई जाए? तो मंत्रियों के यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था रही है और चुनाव आयोग को पुलिस की आवश्यकता, क्या इनकी भी हटाई जाएगी? मुख्यमंत्री और मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो सरकार के फैसले के खिलाफ हो, अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ। ये तो उनका धन्यवाद है, उसका उनको बहुत धन्यवाद, समझदार आदमी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ से सुरक्षा हटाने को सरकार का घटिया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा देना सरकार की जवाबदारी है, बिना किसी कारण सुरक्षा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। सुरक्षा देना सरकार की जवाबदारी है और सुरक्षा कोई चीन चीन के नहीं दी जाती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आवश्यक समझा, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बिना किसी कारण के ये बता के कि चुनाव में और बल की जरूरत है, एक चार की गार्ड कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये केवल बहानेबाजी है, ये केवल दुर्भावना है। ऐसे सुरक्षा नहीं हटाई जानी चाहिए। सरकारें बदलने से कोई सुरक्षा थोड़ी बदलती है, लेकिन ये छोटे मन वाला घटिया फैसला है जिसकी मैं निंदा करता हूं। सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी इस सरकार की है, जिसको उसको पूरा करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस लाइन नेहरू नगर में आज जनरल परेड व बलवा ड्रिल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। जनरल परेड की कमांड RI श्री विजय कुमार दुबे द्वारा की गई एवं ASP जोन 1 श्री अखिल पटेल द्वारा परेड की सलामी ली गई। प्रदर्शनकारियों में रक्षित केंद्र का बल शामिल था। परेड के माध्यम से बताया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व जान माल की रक्षा करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन कर भीड़ को किस तरह नियंत्रित करना है। परेड में थाना प्रभारीगढ़, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, थानों का बल,
यातायात का बल, क्राइम ब्रांच, रक्षित केंद्र, नगर नियंत्रण कक्ष का स्टाफ समेत करीबन 380 अधिकारी कर्मचारी एवं 102 प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों ने भाग लिया। पूरी टीम को इनाम, दोनों लाठी पार्टी और पेन पार्टी दोनों को।